दोस्तों सत श्री अकाल जी, की हाल ने जी। टाटा एज आया जी, ये स्टार्ट नहीं हो रहा, स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ। इन्हां च ज़्यादा कोई फाल्ट नहीं पैंदा, सेंसर वगैरह का ज़्यादातर एक सिलेंडर होने करके इन्हां दी वायरिंग कट जाती है, जिदे करके दिक्कत आती रहती है। तो आपने भी काफ़ी चेक किया, तो स्कैन च भी दिखावे थोनू की दिक्कत आई। तो आप पहल भी किया, पहल वीडियो पई आ, क्रैंक सेंसर केम सेंसर का कोड सी, उस केम सेंसर दायर कट गई सी। तो हूँ आप दिखाने किस चीज़ की वायर कटी आ। एक सिलेंडर होने करके कंपन ज़्यादा रही है इंजन की, वो जिहड़ी स्लीव होंदी है वो आप च कट जाती है, तारा नू कट दिंदी है, वो कई बार वो शार्ट भी कर दिंदी है। इहदा आ गया जी फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर। मतलब सब तो पहला आपां नू उहदे तक सप्लाइयां चैक करनियां पैणगियां, जिस चीज़ का भी कोड आउंदा आपां मल्टीमीटर ला के उहनू चैक कर सकते हैं, ते उहदियां आपां सप्लाइयां चैक करनियां हुंदियां ने। स्कैनिंग सब तो जरूरी आ, आपां सैल्फ मारी आ दुबारा, तो दुबारा फिर ये कोड आ गए तुहानू दिखाउणा जी। इहदी वायरिंग भी चैक कीती आ, आ देखो जी इहदा मल्टीमीटर नाल पहला परली साइड तो ट्रेस कीती, उधर नहीं आ रहा सी रेगुलेटर नू अपना करंट, मल्टीमीटर नहीं बोलदा। फिर आपां ने उरों तारां ट्रेस कीतियां, तो तारा ट्रेस कीतियां ते उरे सही बोल रही ने। एक च होर आ, ये थोड़ा पंप नहीं बोलूगा, जे फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर नू करंट नहीं आऊगा ना, तां इहदा जिहड़ा पंप आ वो पंप सिर्फ एक जा एक सकेंट वास्ते ही ऑन होगा, उस तो बाद नाल दी नाल कट हो जाना उन्हें। अगर थोड़ा फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर सही आ तां पंप ने कम करता रहना, जे होर दिक्कत आ ये जरूर याद रखियो। अगर थोड़ा फ्यूल प्रेशर आ जगह तो कट गई सी स्लीव, ये बिचों ही अलग अलग कट जांदियां ने तारा, तो ये थोनू वीडियो तां बना के दिखाई है जी। पंप नहीं बोलूगा इहदा, तो वो चीज़ दे ध्यान रखियो। कर दे स्टार्ट वीडियो, देखने लई धन्नवाद, चैनल नू सबसक्राइब कर लो, वीडियो में लाइक जरूर कर दिया करो, धन्यवाद।